नरसिंहपुर जिले में कलेक्टर शीतला पटले ने बुधवार को कवेली का दौरा किया, जहां उन्होंने सीएम राइज विद्यालय में छात्र छात्राओं से मुलाकात की। इसके साथ ही नगर पालिका के कार्यालय का निरीक्षण कर यहां की व्यवस्थाओं को देखा। इसी क्रम में कलेक्टर शीतला पटले ने शासकीय अस्पताल कवेली में पहुंचकर मरीजों से हालचाल पूछा और सीएम राइज विद्यालय पहुंचकर छात्र छात्राओं से संवाद किया। सो बेसिकली एक नया हॉस्पिटल 50 बिस्तरी हमारा करेली में बन रहा है और ये आगामी एक महीने के भीतर कंप्लीट होने की भी पूरी संभावना है। इसमें हॉस्पिटल जो है, क्योंकि हमारा यहाँ पे करेली का बहुत कंजेस्टेड था, इसलिए इस 50 बिस्तरी हॉस्पिटल की बहुत आवश्यकता भी थी। और चूँकि आज मैंने स्वयं भी इसका दौरा किया है तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि भीड़ भी इनफ नंबर में यहाँ आ जाती है। लगभग जो है 4000 के लगभग मंथली यहाँ पे ओपीडी हो जाती है, तो ये संख्या काफ़ी होती है। आज की डेट में भी हमारे यहाँ लगभग 750 महिलाएँ जो हैं वो प्रेग्नेंट हैं जो यहाँ पे विजिट करती हैं, जिसमें हाई रिस्क और नॉर्मल टाइप की सभी महिलाओं को विभिन्न प्रकार की सेवाएं दी जाती है और लैब की भी जो है सेवाएँ दी जाती है, जिसमें लगभग 61 टेस्ट तो हमारे यहाँ हो रहे हैं। तो ये नया हॉस्पिटल डेफिनेटली हमारे इस भीड़ के दबाव को कम करेगा और लोगों को अच्छी सहायता देने में मदद करेगा। जो आईसीयू बेड हमारा यहाँ पे चल रहा है उसको हम कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू रहे। करेली के लोगों को आईसीयू की जो उपलब्धता है उसमें कमी नहीं हम आने देंगे, प्रशासकीय तौर पे हम सुनिश्चित करेंगे।